आज की एनटीपीसी ग्रुप डी और जेई की वीडियो में हम लोग देखेंगे मैक टेस्ट सीरीज का ये 39वां वीडियो। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है, कहता है कि एक व्यक्ति को 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। वह 16 किलोमीटर की दूरी पैदल जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर तय करता है और बाकी बची दूरी तांगे से तय करता है। यदि वह 16 किलोमीटर की दूरी तांगे से और शेष दूरी 4 की रफ्तार से चलकर तय करता हो तो उसे एक घंटे अधिक समय लगते हैं। तो बताना है आपको तांगे की चाल। सबसे पहले हम समझ लेते हैं, ये दिया गया है डिस्टेंस 40 किलोमीटर। पहला क्या दिया गया कि 16 किलोमीटर जो है वह पैदल चलता है और स्पीड कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शेष दूरी कितनी बच गई, 40 में से 16 पैदल चला तो शेष दूरी कितनी 24 बच गई, 40 में से 16 को माइनस कर देंगे। और ये चलता है तांगे से, तांगे की चाल मालूम नहीं है, आप इसे x किलोमीटर प्रति घंटा मान सकते हैं। अब दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि यदि 16 किलोमीटर की दूरी तांगे से चलता है, 16 किलोमीटर ये चलता है तांगे से और तांगे का चाल तो x किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा। अब बाकी की शेष दूरी बच गई कितनी 24 किलोमीटर प्रति घंटा और ये चलता है पैदल और रफ्तार तो सेम ही है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया। अब समय कहता है इसमें जो है एक घंटे अधिक लगते हैं सेकंड वाले टर्म में। तो सबसे पहले आपको निकालना होगा अब समय। तो चलिए समय निकालते हैं। समय के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो सबसे पहले टोटल समय निकालते हैं फर्स्ट कंडीशन में। टोटल समय बराबर क्या, दूरी बटे चाल। तो 16 बटे 4 हो जाएगा ये पैदल और तांगे में कितना 24 बटे एक्स, ये फर्स्ट वाले कंडीशन के अनुसार। ये कट जाएगा 4 टाइम में और इसे सॉल्व जब कीजिएगा तो 4x प्लस 24, यहाँ चूंकि एक्स एलसीएम लेंगे तो ये हो गया इतना घंटा समय। दूसरे कंडीशन में जब समय की बात करते हैं तो यहाँ हो जाएगा समय दूरी बटे चाल और प्लस दूरी बटे चाल, ये दूसरा कंडीशन। ये कट हो जाएगा 6 टाइम में, एलसीएम एक्स लीजिएगा तो 16 प्लस 6x, ये हो गया इतना घंटा, ये दूसरे कंडीशन में। इसमें क्या होता है एक घंटा अधिक समय लगता है तो इस वाले टर्म में इसे माइनस करेंगे। तो चलिए आगे करते हम लोग, लिखेंगे जो पहली बाद में कितना आया था आपका 16 प्लस 6x बाय एक्स, फिर इसके पहले कितना टाइम लगा था 4x प्लस 24 बाय एक्स। आप एक बार फिर से देख लीजिए पहले वाले को, यहाँ पे देखिए 16x प्लस 6x बाय 6 और 4x प्लस 24 बाय एक्स। चलिए इतना बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि समय का अंतर कितना है एक घंटे का, एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे एक्स ही आएगा एलसीएम। 16 प्लस 6x हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो माइनस 4x और माइनस और प्लस कितना हो जाएगा माइनस 24 इक्वल टू 1। क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x उधर चला जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या बच जाएगा 2x, यहाँ पे प्लस 16 और माइनस 24 तो यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका 8 बचेगा, लेकिन वो माइनस में बचेगा और यहाँ क्रॉस में होके x यहाँ आ जाएगा। x को इस साइड करेंगे तो कितना माइनस में होके x आ जाएगा और x का मान कितना आ गया 8। और यही आपको पूछा गया था x का मान, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपने माना था कि तांगे की चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि वही पूछा गया था कि तांगे की चाल बताइए, तो x किलोमीटर प्रति घंटा बराबर आया 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 410 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार करती है, तो गाड़ी की लंबाई कितनी है। अब जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को, किसी सुरंग को पार करती है या फिर किसी दूसरी रेलगाड़ी को, तो रेलगाड़ी जो है अपनी दूरी प्लस जिसे वो पार कर रही है उसकी दूरी दोनों को ऐड करते हैं। अब चाल रेलगाड़ी की मालूम है,
और आपको निकालना है गाड़ी की लंबाई। तो मान लीजिए कि एक्स मीटर किलोमीटर में हम नहीं मानते क्योंकि रेलगाड़ी की दूरी जो है मीटर में ही होती है। अब कोई भी फॉर्मूला लेके आप चल सकते हैं। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। चाल कितना हो गया 66, समय कितना 30 सेकेंड, दूरी क्या हो जाएगा 410 और प्लस एक्स। अब यहाँ पे देखिए ये मीटर में, ये सेकेंड में, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटे में। इसे मीटर प्रति सेकेंड में कैसे चेंज करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करके। अब 6 से आप इसे कट कर सकते हैं 11 बार में, इसे 3 बार में, 3 से कट कर सकते हैं इसे 10 बार में। तो 410 प्लस एक्स बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 550। एक्स का मान ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 140। तो 140 मीटर हो जाएगी रेलगाड़ी की लंबाई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए और प्राप्तांक जो है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक है। उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है। चलिए इसे कैसे लिखेंगे, जैसे जैसे कहते गया वैसे लिखेंगे। अगर 40% अंक मिला राम को तो 20 अंक से वो फेल हो गया। अगर हम उसे 20 अंक दे देते हैं तो वो पास। अब आदित्य को मिला 45%, लेकिन जितने पास होने के लिए जरूरी थे उससे 30 अंक उसे ज्यादा मिला। तो अगर हम 30 इसे माइनस कर देंगे तो सिर्फ पास मार्क्स हो जाएगा। दोनों पास मार्क्स है, दोनों को कर दिया इक्वल। परसेंटेज को एक साइड करेंगे तो माइनस होके 5% हो जाएगा, इसे एक साइड करेंगे तो प्लस होके 50 हो जाएगा। इसीलिए 1% इक्वल टू कितना 50/5, इसीलिए 100% इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा 1000। ये आ गए क्या टोटल पूर्णांक। आपको निकालना है उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए। तो ये भी पास मार्क्स है, ये भी पास मार्क्स है, दोनों में से आप किसी को लेके चल सकते हैं। तो 1000 का 40% और प्लस 20 अंक मिले तो क्या हो जाए पास। ये हो गया 400 और प्लस 20, यानी 420 जो है ये क्या है पास मार्क्स है। आपको निकालना है प्रतिशत, तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे, 420 अंक चाहिए पास होने के लिए कितने में, टोटल पूर्णांक 1000 में, इसीलिए 100% में। 1, 2, 3 जीरो कट गए, कितना आ गया 42% अंक चाहिए पास होने के लिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 80 लीटर मिश्रण में दूध और पानी 27:5 के अनुपात में है। कितने लीटर पानी और मिलाने पर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 हो जाएगा। तो चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले मिल्क और वाटर निकाल लीजिए कितना है। यहाँ पे देखिए रेशियो दिया गया है, ये मिल्क का और ये वाटर का। तो मिल्क कितना है 27, कितने में 27 और 5 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 32 में। इसीलिए 80 लीटर में कितना, ये कंप्लीट कटेगा नहीं, ये कट करने के बाद आ जाएगा 67.5 लीटर। तो वाटर कितना, तो आप 80 में से 67.5 को क्या कर दे माइनस, तो ये माइनस होने के बाद आ जाएगा 12.5 लीटर। अब चलते हैं मिल्क बाय वाटर से, ये 67.5 है, ये 12.5 है। कहता है कितना पानी मिला है, तो x लीटर पानी मिलाते हैं तब रेशियो 3:1 हो जाए। ये कट होने के बाद कितने बार में कट कटेगा 2.5। अब क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दे तो 12.5 प्लस एक्स इक्वल टू 22.5, एक्स इक्वल टू ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 10। यानी कि 10 लीटर पानी अगर मिलाए तब रेशियो 3:1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। अगला सवाल देख लेते हैं। दिया गया है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 15% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य और लागत मूल्य में अनुपात बताइए। जब भी छूट की बात आती है तो मार्केट प्राइस पे मिलता है, और जब भी लाभ या हानि की बात आती है तो कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि क्रय मूल्य पे। तो मार्केट प्राइस को हमने एमपी ही रहने दिया और इसे सीपी ही रहने दिया। अंकित मूल्य पर 10% का छूट, तो बेचेगा कितने में, 90% में। अगर सीपी पे 15% का प्रॉफिट कमाता है तो बेचेगा कितने में, 115 में। ये 100-100 कट गए, ये चूंकि एसपी एसपी दोनों क्या है विक्रय मूल्य और ये भी विक्रय मूल्य, तो बराबर 100-100 कैंसिल हो गया।
अब यहाँ से आप इसे कट कर दें 5 से, तो 18 टाइम में कट जाएगा और ये कट जाएगा 23 टाइम में, तो MP:CP का रेशियो कितना आ जाएगा, 23:18, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है कि एक स्कूटर 36 किलोमीटर प्रति घंटा की एक औसत गति से 30 किलोमीटर की दूरी यात्रा करने के दौरान तय करता है। मींस कि कोई स्कूटर यात्री है जो कि जब वह यात्रा कर रहा था तो 36 के रफ्तार से 30 किलोमीटर की दूरी को तय करता है। यदि उसकी गति 42 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाई जाती है तो समान समय में स्कूटर द्वारा तय की गई दूरी 42 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाई जाती है। क्या मतलब है कि बढ़ाने के बाद उसकी चाल पहले तो थी 36 और अब हो गई 42, तो कितना दूरी तय करेगा। सबसे पहले तो आपको फर्स्ट वाले कंडीशन के अनुसार निकालना होगा समय। समय बराबर क्या, दूरी बटे चाल। दूरी 30 और चाल कितना 36। 6 से काट सकते हैं आप इसे 5 बार में, इसे 6 बार में, तो 5/6 घंटे का समय लगेगा। अब कहता है अगर 42 के रफ्तार से चले तो उसी समय में कितनी दूरी तय करेगा, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुने समय। 6 से कट कर दीजिए 7 बार में, ये हो गया 35 किलोमीटर दूरी, आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर 2 है तो माध्यिका और माध्य के बीच अंतर ज्ञात करें। बहुलक, बहुलक किसे कहते हैं, तो मोड को कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, बहुलक को इंग्लिश में हम लोग मोड कहते हैं, माध्यिका, माध्यिका को इंग्लिश में हम लोग मैडन कहते हैं और माध्य को इंग्लिश में मीन कहा जाता है। चलिए अब इसे बनाते हैं। बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर 2 दिया गया है, यानी बहुलक माइनस माध्यिका, या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, मोड माइनस मैडन इक्वल टू क्या 2। अब मोड इक्वल टू अगर हम लिखना चाहें तो मैडन को इस साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2+ मैडन। अब फिर एक फॉर्मूला होता है मोड इक्वल टू, वो मैं लिखती हूँ। मोड बराबर होता है 3 मैडन माइनस 2 मीन। अब मोड का हम यहाँ पे लिखते हैं जो मान निकाला है हमने, 2+ मैडन इक्वल टू 3 मैडन माइनस 2 मीन। अब मैडन को इस साइड करेंगे तो माइनस हो जाएगा और बचेगा 2 मैडन, तो 2 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2 मैडन माइनस 2 मीन। अब यहाँ पे 2 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2 इक्वल टू 2 को कॉमन लिया और मैडन माइनस मीन हो गया। ये 2 और 2 कैंसिल, तो क्या बच गया यहाँ पे 1। आपसे पूछा गया था माध्यिका और माध्य का अंतर, यानी कि मैडन और मीन का अंतर, अंतर कितना आया 1, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि मजदूरों के 2 प्रकार हैं। पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना ज्यादा कार्य करते हैं। पहले प्रकार के 12 मजदूर किसी कार्य को 10 दिन में कर डालते हैं। इसी कार्य को पूरा करने के लिए 4 पहले प्रकार के मजदूर और 8 दूसरे प्रकार के मजदूर को कितना समय लगेगा, तो चलिए इसे बनाते हैं। एक है ए प्रकार और एक हम मान लेते हैं बी प्रकार, पहले और दूसरे प्रकार। कहता है पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना ज्यादा कार्य करते हैं, यानी कि बी अगर 1 कार्य करेगा तो ए 3 कार्य करेगा, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू 3 बी। फिर भी यहाँ भी ए इज टू बी का मान निकालेंगे तो 3:1 आएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। कहता है पहले प्रकार के 12 मजदूर, तो 12A हम लिख सकते हैं इसे, किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो इसी काम को करने के लिए 4 पहले प्रकार का मजदूर यानी 4A+8 दूसरे प्रकार का मजदूर यानी 8 भी इसी काम को कितने दिनों में करेंगे, ये लिख दिया हमने स्ट्रक्चर। अब ए और बी की वैल्यू को पुट कर देते हैं। 12 × A का मान कितना 3 दिया गया है, 4 × A का मान 3 + 8 × B का मान 1 × x,
यहाँ पे कितना हो जाएगा 360 और ये 4 × 3 = 12 हो जाएगा और यहाँ पे 8, तो 12 और 8 कितना 20x हो जाएगा। 20 से कट करेंगे तो कितने टाइम में कट जाएगा, 18 टाइम में। x का मान आ गया 18, यानी कि 18 दिन लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 750 रुपये को निवेशित राशि पर 3 महीने का ब्याज 18 रुपया है, तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज का दर निकालना है। ये 3 महीने का ब्याज दिया गया है, बस आपको प्रति वर्ष यानी कि 1 वर्ष का निकालना है। तो रेट बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100 / मूलधन गुने समय। ब्याज 18 रुपया दिया गया है गुने 100 / मूलधन कितना 750 गुने समय, ये 3 माह है, हम इसी को वर्ष में चेंज कर देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो वर्ष में चेंज करने के लिए बटे करेंगे 12 से डिवाइड, तो यहाँ पे कर देते हैं 18 × 100 = 12 चला जाएगा ऊपर और यहाँ हो जाएगा 750 × 3। अब इसे कट करते हैं हम लोग, कट करेंगे 25 से कट कर दीजिए 30 टाइम में और इसे 4 टाइम में, 3 से कट कर दीजिए इसे 6 टाइम में, 6 से कट कर दीजिए इसे 5 टाइम में। अब कितना हो जाएगा 48/5, इसे पॉइंट में लाएंगे तो कितना आ जाएगा 9.6, इतना परसेंट आ गया इसका रेट, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि दो उपकरण जिनका क्रयमूल क्रमशः 15,000 और 20,000 रुपया है, उन पर क्रमशः 8% और 12% की छूट दी जाती है, तो कुल विक्रय मूल्य ज्ञात करें। हालांकि मार्केट प्राइस पे होता है छूट, लेकिन जितना क्रय मूल्य दिया गया है उसी पे छूट दिया जाता है और बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 15,000 रुपया है क्रय मूल्य और ये है 20,000 रुपया, इस पे 8% का छूट दिया जाता है तो लेगा कितना वो 92%, और अगर 12% का छूट दिया जाता है तो लेगा कितना 88%। तो ये भी हो गया विक्रय मूल्य और ये भी विक्रय मूल्य, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा टोटल विक्रय मूल्य, ये 0-0 कट हो गया। अब यहाँ पे इसे अगर हम ऐड करेंगे तो 13800 हो जाएगा और यहाँ पे ऐड करने के बाद 17600 हो जाएगा। दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 31400, यानी कि 31,400 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और कमेंट करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।